ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਸੀ ਵੀ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮਿਨੀਮਮ ਗਏ ਜਾਂਦਾ जो समय ते भीड़ पैंदी आ थोड़े ते जां सरकारां दे थोड़े अगेंस्ट या स्टेट थोड़े अगेंस्ट हो जाती है उदो कोई कोई खड़ता भाई हर बंदा नहीं खड़ता बथेरे लोग भजदे देखे ਤੁਸੀਂ ਬੇਲ ਆਰਡਰ ਪੜੋਗੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਫੇਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਸਮਿਸ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਬੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਬੇਬੁਨਿਆਦ देखो जी एक श्री गुरु रामदास साहब का शुकराना करना है जी क्योंकि उन्होंने हाथ दे के रखिया लगता ही नहीं सी इन्नी छेती बाहर आ जाएंगे दूजी सिचुएशन एक जड़ी सिचुएशन ये बनी हुई है भी महामारी चल रही है पेंडेमिक चल रहा हूँ ही मैं पता लग्या भी बड़े लोग दे आर लूजिंग दे लाइफ्स है ना वो बेचारे इस पेंडेमिक मर रहे हैं उन्होंने भी अरदास करांगे पर अपने किसान मोर्चे की भी अरदास करांगे भी आप जित के आईए उतों सो हरिमंदर साहब आने का मकसद यही है जी असी कुछ आपके परिवारक तौर पर आके नमाने हो के गुरु साहब अगे जाके अरदास करिए शुकराना करिए तो इसे करके हरिमंदर साहब आए हैं जी देखा जावे ता जेल दे जेल दा सफर जड़ा वा वो किस तरह है कितनी देर तशद्दद जड़ी है इहदे बारे जानो जेल दा सफर ता उत्थे ता जेड़ा जेड़ा सहारा सी वो इत्थों ही मिलिया रोज अरदास करदा हुंदा सी रोज श्री गुरु रामदास साहब नूं अरदास करनी बाबा दीप सिंह नूं अरदास करनी और उन्होंने कहना शहीदा सिंह का पहरा ला के रखो क्योंकि साढ़े मोर्चे च ते जेल तक मैं ये गल कहना भी प्रतक्ष हुई है यह गल शहीदा सिंह का पहरा रहा साढ़ा वाल भी नहीं विंगा होण दिता बई नहीं लगता नहीं सी इन्नी छेती बाहर आ जाएंगे मैनू आप नू आए सी और मैं वकील हाँ एक पेशे के तौर पर एक्टर तो हैगा ही हाँ पर उदू पहला मैं वकालत की आ मैनू आए सी भी 7-8 महीने लई मिनीमम गए अंदर पर जदों जिस तरह की आप कानूनी लड़ाई भी लड़ी आ डिसमिस ऑर्डर करन दा या बेल करन दा भी कोई आधार ही नहीं सी उन्हां कोले किसी तरह का कोई एविडेंस नहीं पुलिस कोले जो इल्जाम लाए बेबुनियाद मतलब और जज भी इहो जे रब्बी रूहां मिल गईआं भी उन्होंने ऑर्डर च ये गल्लां लिखियां एक एक गल क्लीयर की ऑर्डर च लिख लिख के चाहे मेरा पहला बेल ऑर्डर सी उदू बाद रिमांड का ऑर्डर तुसी पढ़ लो उदू बाद दूजा बेल ऑर्डर पढ़ो तुसी बेल ऑर्डर पढ़ोगे हैरान हो जाओगे जिवें उन्हां नूं पुलिस वालिआं नूं उन्होंने खिंचिआ तो पुलिस वालिआं नूं कहा भी तुसी बेईमानी कर रहे हो इस बंदे नूं क्योंकि एक पबलिक फेस आ तुसी जाण के एक एग्जाम्पल बना रहे हो इस बंदे दी और ये सरकारां दे या किसी पोलीटिकल वेंडेटा इहदे चों तुसी कढ रहे हो अदरवाइज़ इन्हें ना कोई वॉयलेंस की आ ना किसी नूं इंस्टीगेट की ना किसी होर ये भड़काहट च या किसी उत्थे जो भी कुछ जे कुछ गलत होया होवे कुट नाल पुलिस नाल कुटमार हुई उहदे च इनवॉल्व सी दीप जी देखा जावे तां किहा जा रिहा कि दीप सिद्धू जदों उत्थे होया सी हिंसा होई सी तां उस तों बाद भजदे नजर आए सी बाइक दे उत्ते ओह की है सारी वीडियो की है नहीं जी ओह उत्थों नहीं जिहड़ा मैं उत्थों मोटरसाइकिल लै के निकलिया उहनूं पेश बड़ा गलत कीता गया ओह सुखदेव दे ढाबे दे सामने जो मैं आके एक ट्रैक्टर से बैठ के हिंदी च लाइव किया ना वो इस करके किया क्योंकि नैशनल मीडिया ने बड़ी बड़ी ही गलत तरह का नैरेटिव थ्रो कर लग गए से वो सो सुखदेव के ढाबे से जो मैं किया उ मेरे ते अटैक होया उ 15-20 बंद ने अटैक किया कुछ बंद ने मैंने कहा भाई तू लड़ी ना क्योंकि आप आपदे ही बंदे नाल गालू गाली होंगे चंगे नहीं लगते वो गल सारी मेरे ते ही आ जानी सी भी तू निकल जा इतों उतों मैं निकलिया
ਗਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੂ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ है ना तो 6 महीने हो गए इस इल्जाम नू लगते लगते यदि कोई बुनियाद नहीं है कोई आधार नहीं है ये गल्लां बड़ियां आपां इहदे ते बहुत गल्लां कर चुके हैं जे उत्थों तक अपनी कोई गल हुंदी अज सनी देओल बाई नाल आपां इलैक्शन लड़ के गए हैं इत्थे अज कोई नाता ही नहीं रहा है ना दूजी गल काल कोठड़ियां च नहीं जाना सी भुखे नहीं सौना सी रातां नू जगा जगा के नहीं रखना सी फिर इन्ने केस नहीं पैने सी हजे 2 FIR तो अपने ते ऑलरेडी उन्होंने कीतियां हुई हैं सो ये सरकारां दे बंदियां दे नाल ही काम नहीं हुंदे कदम तुसीं चले जे नाल इलैक्शन दे विच लगदा नहीं कि इलैक्शन नूं राजनीति छड्ड के उस तरह तुहाडे नाल खड़ना चाहीदा सी देखो परिवारक तौर ते तां खड़ना ही चाहीदा सी पर ओह परिवारक जिहड़े खड़े होए जिहड़े दोस्त हुंदे आ ना जिहड़े असल हुंदे आ दोस्त और कोई कोई हुंदा जदों समय ते भीड़ पैंदी आ थोड़े ते जां सरकारां दे थोड़े अगेंस्ट या स्टेट थोड़े अगेंस्ट हो जांदी आ उदों कोई कोई खड़दा बई हर बंदा नहीं खड़दा बथेरे लोक भजदे देखे मैं सिद्धू पार्टी बनाउण जा रहे ने बारे जाणू करो की आ नहीं पार्टी आए आ भी मैं ये गल जरूर कहना भी पंजाब नूं एक कंप्लीट पोलिटिकल स्ट्रक्चर इहो जिहा होवे जिहड़ा पंजाब दे असल मसलियां दी गल करे सानूं उहो जिही किसे पोलिटिकल लीडरशिप की जरूरत आ और वो खेतरी लीडरशिप होवे क्योंकि पंजाब दे मसले खेतरी आ दिल्ली ने सानू कदे न्याय नहीं दिता दिल्ली ने साडे मसलियां नू कदे समझ के उन्हां नू कदे सानू सुलझाया नहीं सो इस करके सानू साडी खेतरी पार्टी जिहड़ी सानू रिप्रजेंट करे साडे ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇਵੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਮਾਨਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਤੌਮਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੌਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਲਮ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹਾਂ ਖਲਕਤ ਸਾਰੀ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਉਹੀ ਖਲਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਹ ਬਾਈ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੁਛ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਲੱਖੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯੂਥ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਔਰ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ 84 ਆਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕਲੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਕਲੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਚੱਕ ਚੱਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਦਾ ਕਲੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਨ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਲੜਨਗੇ ਸੁਧਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗਾ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾ ਸੁਧਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ
धक्का नहीं होण देवांगे। बड़ा सह लिया पंजाब ने और यह सानू सारयां नूं पता, और असी वंड भी नहीं होण देनी भी इत्थे सिख हिंदू की वंड करा दईए या मुसलमान की वंड करा दईए। मानस की जात सबे एको पहचान। शिंगू जल्दी पहुंचांगे जी, और वह साडा होंद की लड़ाई आ, साडा अंदोलन आ, ते साडी जिहड़ी उत्थे सारे बंदे हजे तक बैठे आ ते इस लीडर जिहा लगदा ना टेंट च भीड़ बड़ी हो रही है। हाँ जी हाँ जी, जल्दी नहीं मैं आउंदे आउंदे जाके भी आया ते बड़ी छेती जावांगे जी। सर लाल किले जो इंसीडेंट होया जी, आखिर पंजाबी जिहड़ी नस्वी उन्होंने तुहानूं क्यों नहीं आखिर कुछ तुहाडे खिलाफ? भाई मैं तुहानूं दस्सिया ना, जदों स्टेट की मार पैंदी है ना उहदे खिलाफ बोलना बहुत औखा। बड़े बड़े डर जाते, बड़े रिश्तेदार भज जाते, आपदे बंदे आपदे सके संबंधी भज जाते, वो तो फिर इंडस्ट्री के बंदे सी। हौली हौली जदों जदों एक आवाज़ बदलती आ, जदों माहौल बदलता फिर लोग खड़े होंगे, तो फिर अदरवाइज बहुत ये सदियों तो देखा गया ना, जदों हुकूमत खिलाफ हुंदियां उदों कोई असल बंदे ते असल रूहां ही खड़दियां तुहाडे हाथ च। कि बड़ी कोशिशां होईयां किसानी अंदोलन नूं ढह लाउण वास्ते, तुहाडे उत्ते भी परचे दर्ज कीते, होर भी काफ़ी मुश्किलां दा सामना करना पिया, तां हुण लगदा कि जिहड़ा करोना दी इक नवीं मार जिहड़ी आ शुरू कर दित्ती गई, ऑक्सीजन नहीं हैगी, करोना नाल फैला दे किसान, इस तरह दीआं गल्लां सुणन नूं मिल रहीआं, लगदा कि फिर ढह लाउण दी कोशिश कीती जा रही। देखो भाई इहदे ते किन्नी कु सच्चाई आ इह तां नहीं मैनूं पता, कॉन्सपिरेसी थ्यूरीज़ तां हमेशा ही काम करदियां हुंदियां, पर जिहड़ी इहदे नाल इक गल वाचनी बड़ी जरूरी है भी रोज़ दे 300-300 बंदे कल्ले दिल्ली च मर रहे हैं, हुण वह बंदे मर रहे हैं ये तो कोई गल साडे समझ आनी, और मेरे ख्याल इंडिया च 2400-2500 बंदा दिन का मर रहा। सो पेंडेमिक का कहर तो हैगा ही हैगा, सानू भी ध्यान रखना चाहिए, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी इत्थे अपने एप्लीकेबल आ, सानू ध्यान रखना चाहिए, सानू वो प्रोटोकॉल जो सरकार ने इत्थे सानू दसे आ, सोशल डिस्टेंसिंग होवे, चाहे सानू जिन्ने क बंदे इकट्ठ करन दा हाँ जी हाँ जी कहा गया होवे, उन्हां सारियां चीज़ां का ध्यान रखना चाहिए, पर नाल दी नाल सरकार नू सोचना चाहिए भी साडे किसान उत्थे बैठे आ ते महामारी फैल रही आ, सरकार किसानां नाल जेन्यून टॉक्स च जल्दी तो जल्दी एंगेज होवे ते इस जिहड़ी अपने एजिटेशन आ उहदा कोई ना कोई हल निकले। 5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो।